तो दोस्तों आज बना रहे हैं हम भांग की चटनी। पहाड़ों की रानी भटकी तुड़कानी, जिंदगी ऐसी ही कटनी, भांग की चटनी। रिपीट करने में क्या आता है, लोगों ने रिपीट कर करके 20 मिलियन सब्सक्राइबर बना लिए। हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। हम लोग बिल्कुल ठीक हैं। धूप से थोड़ा पीछे चले जाते हैं। आज बहुत दिन बाद, पूरे एक हफ्ते बाद अराउंड मैं व्लॉग बना रही हूँ। बीच में नहीं बनाया क्योंकि दिवाली की सफाई में इतना थक गई थी और ना मन भी नहीं करा था, तो सोचा कि एक छोटा सा शॉर्ट ब्रेक ले लूँ। ब्रेक के बाद हम लोग फिर से आ चुके हैं। बाकी यहाँ पे कबीर महाराज अपना कार्टून देख रहे हैं और पति जी बना रहे हैं किचन में। इतना इनफ है। तो दोस्तों आज बना रहे हैं हम भांग की चटनी। ये जो है पहाड़ी डेलिकेसी है और इसे खाने में बड़ा आनंद आता है पहाड़ियों को। इसके साथ एक दाल बनती है हमारी स्पेशल, पहाड़ी भट्ट की चुड़कानी। आज भट्ट है नहीं तो हम उसे ले आएंगे बाजार से और फिर कल बनाएंगे भांग की चटनी। आज भट्ट की चुड़कानी कल उसमें मत डालोगी कुछ? क्या डाल रहे हो? ये डाल रहा हूँ। उस क्या कर रहे हो? कांच है वो, कांच कभी भी कौन गर्म करता है? गर्म नहीं कर रहा हूँ भाई, उसे फीड दे रहा हूँ। रहने दो, जहाँ था वही रहने दो। ये कहाँ रखूँ फिर? ये खुल गया है इसमें से। ये इसमें तो वो था ना, इससे ऊपर निकाला। इसमें डाल दो बाउल में। गीला है यार। अरे यार, जो प्लेट में था उस प्लेट में ही रख दो ना फिर। ये प्लेट में था। कहाँ जा रहे हो? मैं तो ऐसे ही बोल रही थी बेटा, आप बाल बनवाओगे बोल के हम नहीं जा रहे कहीं। नहीं जा रहे बेटा। अरे अभी इतने दिन में कहाँ जाएंगे अंशु? नो, चलो अंदर आ जाओ। चलो आ जाओ अंदर। अरे यहाँ पे धूप नहीं आती ना, कुछ भी नहीं होगा। इधर लगाया था पुदीना, यहीं पे लगाया था जहाँ पे आप लगा रहे हो। अब धूप कैसे लाओगे यहाँ? और डाल दिया है हरी मिर्च, थोड़ा एक दो पुदीना और भांग। बाकी इस पे खट्टे के लिए हम लोग ये है पहाड़ी चूक। होता है असल में जो लाइम होता है। हाँ, उसको पका के लाइम भी, मतलब कौन सा वो छोटा वाला लाइम? वो बड़ा वाला लाइम, ये बड़ा वाला लाइम, इसको कैरामलाइज किया जाता है। जो डार्क हो जाता है कैरामलाइज करने के बाद तो बन जाता है चूक वो। और ये जो है चूक प्रिजर्व करके रख सकते हैं सालों साल, कभी खराब नहीं होगा। लाओ इसके लिए एक ऑरेंज दे दो, मैं इसे ऑरेंज खा रही हूं। भागो, चलो निकलो यहाँ से। पाक्यो नहीं है, पाको है। मेरे को पाक्यो बोलना है, समझने से मतलब है ना। अच्छा, जबरदस्ती की पहाड़ी घुसा रहे उसमें। आगे मुखड़ा भी नहीं है, अंतरा भी नहीं है ये। स्टार्टिंग की दो शब्द है बस, बेड़ पाको बस। पहाड़ों की रानी भट्ट की चुड़कानी। आज ज्यादा ही भट्ट की चुड़कानी कर रहे हो आप। याद आ रही क्या? बहुत ज्यादा ही मन हो रहा है गाने का। बना देंगे चलो आपके लिए कल परसों में भट्ट की चुड़कानी।
जिंदगी ऐसी ही कटनी भांग की चटनी। वाह 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 वाह, शायर हो गए सब। नमक डाला इसमें? राइम कर दो, नमक को डाला ना, थोड़ा टेस्ट करो। देखो नमक अमुक सही है, नमक शमक मुक सही। थोड़ा और उसको करना पड़ेगा, कड़वे हो रहे हैं, जला दिया आपने है? थोड़ा और चूड़ा ना पड़ेगा। हमारी कल एनिवर्सरी है और ये हमारी कौन सी एनिवर्सरी है बताना? सिक्स्थ एनिवर्सरी, हैप्पीली मैरिड एंड कंप्लीटेड सिक्स इयर्स। याद है आपको हैप्पी मतलब ये विंक किस लिए? ये विंक किस वजह से था? हैप्पीली मैरिड या फिर किस वजह से? वो ऐसे ही आपके मेल सब्सक्राइबर्स के लिए था। कौन से मेल सब्सक्राइबर्स के लिए? क्यों? अरे नहीं समझोगे आप, समझना भी नहीं मुझे। मजाक था भाई। भाई तो क्या प्लान है कल का? कुछ नहीं, देखते हैं। बीवी श्री प्लान वैसे भी किया होता नहीं तो मैं आपको पता ही नहीं करता नहीं तो है, इंस्टेंट हो जाए तो हो गया। हम लोग ना हर साल कहीं ना कहीं घूमने जाते थे, बस इस साल नहीं जा रहे हैं। इस साल नहीं जा रहे हैं, हाँ ड्यू टू नो रीजन। तो रीजन नहीं है, जो यही कि हम यहाँ आ गए। टनकपुर ऐसी सिटी है कि जहाँ ऐसा लगता है कि हम घूमने ही आए हैं। ऐसा मैं जब भी आता है तो मतलब वैसे तो अंजलि यही रहती है, मुझे लगता है कि टनकपुर जैसा इन शॉर्ट इनको अपने पैसे बचाने हैं और कुछ नहीं, इस वजह से कहीं भी लेके जा रहे हैं। पता है क्या, जब से फोन दिलाया है तब से इनका यही है कि बर्थडे गिफ्ट, एनिवर्सरी गिफ्ट, न्यू ईयर गिफ्ट, सारे गिफ्ट अगले 2 साल तक यही है। कोई गिफ्ट नहीं मिलेगा, कोई ट्रिप नहीं होगी, बोल तो ऐसा ही रहे, देखो कैसा होता है। बट मैं मानूंगी नहीं, अभी नहीं, अगले साल तो कहीं जाएंगे यार। वैसे ही हमारी शादी को कल 6 साल पूरे होने वाले हैं, 23rd of November, और लग नहीं रहा यार 6 साल होने वाले हैं। मतलब ऐसा लग रहा है अभी की तो बात है, पर सोचने में बोलने में इतना बड़ा लग रहा है 6 साल। वो हुआ नहीं हुआ अब लग रहा है बढ़िया, दिखा हल्का सा जलने आ रहा है, लेकिन उसको और डालना चू। मैंने आपको बोला था आप ज्यादा जला रहे हैं। अब फर्स्ट टाइम बनाया मैंने, आई थॉट कि कच्चा रह जाएगा तो फिर सारे झूमने लगेंगे। कच्चा रहने से बंदा सा चढ़ता है क्या? मे भी हो सकता है। मतलब भांग की चटनी से ना एक मेरा बहुत अच्छा इंसिडेंट है, मैं बताती हूँ, अभी याद आया। उस टाइम पे मैं नोएडा में जॉब करी थी, शादी से पहले की ये बात है, और भांग की चटनी और दाल राइस दाल भात खाया दिन में भांग की चटनी के साथ। क्या करूँ, आ रही हूँ अभी। तो क्या हुआ कि मस्त मेरे को अच्छी लगी चटनी, तो मैंने 3-4 बार खा ली। कहते हैं कि भांग की चटनी से नशा नहीं होता, बट पता नहीं कैसे मुझे नशा हो गया। नशा तो क्या मतलब, बहुत नींद आ रही थी। मैं पूरा दिन की जो नींद लेते हैं खाना खाने के बाद, वो नींद सोई हूँ, फिर उठी हूँ, शाम को मुझे निकलना था, संडे का दिन था, मंडे से ऑफिस था मेरा, निकलना था, और मैं कभी दिन में बस मतलब रात में बस में सोती नहीं थी कभी भी ट्रैवल करते वक्त, बट मैं उस दिन सोई हूँ। और कब मैं नोएडा मतलब आनंद विहार पहुँची हूँ मुझे पता नहीं है। वापस लेने थे पैसे टिकट के, वो वापस भी नहीं लिए हैं, 40-50 रुपये मैंने टिकट के भी छोड़े। मतलब नींद में पहुँच गई वहाँ जाके, वापस से सोई हूँ तब जाके मेरी नींद पूरी हुई है। तो भांग का ही नशा था, ऑब्वियस सी बात है। अपने आप ही आजकल छिल लेता है ऑरेंज के, हाँ कर लेता है ऑरेंज को भी, करने दो ना, वो खुद से कर रहा था, कर तो रहा था लेकिन थोड़ा इतनी देर से। अच्छा अब बिजी हो जाते हैं ना बच्चे, उसको बिजी करने के लिए दिया था मैंने। ऑरेंज का दीवाना है, खुद ही पील किया ना उसने। फेवरेट फ्रूट है भाई। पील करना तो सीख गया। अच्छा खुद को खाते हुए देखना भी है उसने मिरर में। सेल्फ ऑब्सेस्ड, खुद से ही ऑब्सेशन है इसका, खुद से ही प्यार करता हूं मैं, है ना। तो खाना बन के रेडी है जी। यस, भांग की चटनी विद मूली एंड दाल राइस। और ये क्या? ये मैंने ऑमलेट बनाया था। क्यों भाई, मन कर गया यार। अच्छा जी, तो मस्त आप धूप में बैठ के खाओ। खाओ।
ठीक है, और सो जाओ। यस। बाहर अंशु नाई नाई कर रहे ना, अंशु बाहर अंशु नाई नाई कर रहे हैं, छेम 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 हो जाएगी, खड़े नहीं होना, खड़े नहीं होना, खड़े नहीं होना, नो 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 नो। आ रहा है, ये भी इसको भी खिला दो। नंगू पंगू छेम 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 छेम। मैं भी खाना खा लेती हूँ, संदीप तो स्टार्ट हो गए हैं, राइस दाल और स्पेशल भांग की चटनी, परेशान कर रहा है। तो आज बहुत दिन बाद व्लॉग बनाया है, मन नहीं कर रहा था बीच में इसलिए नहीं बनाया, तो अब सोच रही हूँ कि थोड़ा कंटिन्यू रखने की कोशिश करूँ। यार पता नहीं बीच बीच में मुझे क्या हो जाता है, मन ही नहीं करता बनाने का, मतलब कभी कभी होता है ना कि मन नहीं करता, तो वैसा ही कुछ मेरा मन चल रहा था। तो आज का व्लॉग यही है, आई होप आप लोग को पसंद आया है, अगर आया है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करिएगा। ओके, आपसे कल के व्लॉग में मिलते हैं, बाय, टेक केयर।